तो आज हमारे साथ कुंदन है, ही इज नोन एज ट्रेडिंग स्कॉलर। आई एम अ सोशियोलॉजी ग्रेजुएट। 2019 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, बट मार्केट में कॉलेज के टाइम से ही था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा ना, आजकल थोड़ा मार्केट में फ्लैश क्रैश जैसी चीजें, अभी रिसेंटली 17th ऑफ जनवरी को बैंक निफ्टी में 1400 पॉइंट का गैप डाउन भी हुआ था, तो ऐसे मार्केट हो चुका है कि अगर आप बहुत कॉशियस नहीं हो अपने ट्रेड्स को लेके, खासकर पोजिशनल ट्रेडिंग को लेकर के, आजकल तो इंट्राडे में इतने स्पाइक्स आ रहे हैं, तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। मेरे को कैपिटल का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। मैं कोई भी ऐसी पोजिशन नहीं बनाता, कोई भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे ओवरनाइट पोजिशंस ऐसे कभी नहीं होते जहां पे मैं अपने पूरे कैपिटल का 6-7% से ज्यादा का रिस्क ले रहा हूं। तो इस चीज को करने के लिए ना, एक जो तीसरा पार्ट आता है, जो तीसरा हेज जिसको बोलते हैं, वो होता है ओवर हेज करना। मतलब थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पे करना जो कि आपके पोजीशन के लिए इंश्योरेंस का काम करेगा। ये जो ओवर हेजिंग वाला कांसेप्ट है, हैव यू यूज्ड इट ऑन कैलेंडर्स आल्सो? बैटमैन में, मतलब जब भी मैं एसटीबीटी पोजीशन बनाता हूँ एक्सपायरी के लिए, जिसमें दोनों साइड रिस्क में ले रहा हूँ, लाइक बैटमैन में ट्रेड करो, तो आई ऑलवेज गो विद द ओवर हेज। कभी कभी क्या होता है कि बड़े गैप हो जाते हैं, 400 पॉइंट का गैप हो गया, 500 पॉइंट का गैप हो गया, उस टाइम पे भी मैंने सब कुछ तरह से, सारे तरीके से प्रैक्टिस करा हुआ है, 1% से ज्यादा नहीं होता। आई थिंक जो हमारे यूजर्स हैं, उनको, व्यूअर्स हैं, उनको एक ऐसी स्ट्रेटजी मिलेगी जिसको वो मार्केट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है। अगले ही दिन से आप डिप्लॉय कर सकते हो, थोड़ा सिमुलेट करो एंड बहुत कम रख सकता, पैसा तो बनेगा। सो आज हमारे साथ कुंदन है, ही इज नोन एज ट्रेडिंग स्कॉलर। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कुंदन के बारे में मेरे एक फॉलोअर ने बताया था, हु हैज बिकम अ वेरी क्लोज फ्रेंड राइट नाउ। उसके बाद फिर मैंने कुंदन को अप्रोच किया कि ट्रेडर्स टॉक के ऊपर मेरे व्यूअर्स के साथ आके अपनी एक स्ट्रैटेजी शेयर करे, विच इज फंडामेंटल टू द मार्केट एंड डजंट चेंज विद टाइम। फिर हम लोगों ने बात की एंड दैट्स हाउ हमारे व्यूज मैच किए एंड कुंदन वॉज काइंड इनफ टू कम ऑन द शो। So welcome Kundan, we are eager to hear it from you itself now. Thank you so much Rohit bhai, thanks a lot for this opportunity and trust me, mujhe jab aap, main aapko kafi time se follow kar raha hu Twitter pe, almost 2-2.5 saal ho gaye and bahut closely track kar raha hai aapko maine, aapki trading style aur jo iron fly wagera karte ho, to aap acha kar rahe ho, to aapne jab mujhe approach kara to it was my pleasure ki main jisko follow karta hu, jisko main एक होता है ना, उनसे सीखता हूँ। अगर वो मुझे खुद कह रहे हैं आके कि नहीं कुछ ऐसा करते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मोस्ट वेलकम। इन ऑल ऑनेस्टी आई मस्ट टेल यू, पिछले 1-1.5 साल से आई वॉज ऑफ ट्विटर। मतलब जितना मेरा ऑनलाइन ट्विटर के ऊपर चल रहा था, इट वॉज ड्यू टू माई टीम जो कुछ ना कुछ ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते रहते थे, तो मेरी इंटरेक्शन बंद हो गई हुई थी बिकॉज मैंने साथ साथ में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। पिछले 3-4 महीने से मैंने स्टार्टेड डूइंग माय एपिसोड्स ऑन इकोनॉमिक टाइम्स, तब मेरी जाके इंटरेक्शन हुई, तो एक बहुत बड़ा एक फैक्शन था जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं कट ऑफ हो गया हुआ था। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड कि मैं दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे आके सारों के साथ कनेक्ट करना शुरू हुआ हूँ एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू जितनी लर्निंग मेरी हो रही है, बिलीव मी दैट्स जस्ट लिमिटलेस राइट। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खुद को सीखने का, दूसरों को भी सीखने का, और मतलब बहुत सही है, सही इनिशिएटिव आप कर रहे हो एंड आई होप कि आने वाला टाइम में आप और भी अच्छे अच्छे जो ट्रेडर्स हैं, जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, आप उनको लाओगे एंड हम सबको सीखने को मिलेगा। मैं भी ये फॉलो करता हूँ, ट्रैक करता हूँ आपका ये ट्रेडर स्टॉक एंड सबको ही सीखने को मिलता है। ओके, सो रोहित भाई, सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रो देता हूँ एंड देन विल मूव टू द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पार्ट। ओके, सो मेरे बारे में, मतलब आई एम अ सोशियोलॉजी ग्रेजुएट। 2019 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, बट मार्केट में कॉलेज के टाइम से ही था। 2016 से जब मैं घर से दिल्ली गया पढ़ाई करने के लिए, देन वहाँ पे थोड़ा एक साल बाद मेरा ट्रेडिंग के अराउंड एक फेसबुक के ग्रुप के थ्रू मेरा इंट्रो हुआ एंड वहाँ से मैंने ट्रेडिंग जर्नी अपने स्टार्ट करी। एंड 2 साल बाद थोड़ा सीखने के बाद एंड ट्रायल एरर सब कुछ करने के बाद जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, तो फिर मैंने अपना फुल टाइम ट्रेडिंग में मैं आ गया था। 2019 से मैं कर रहा हूँ फुल टाइम ट्रेडिंग एंड 2017 में फर्स्ट टाइम हुआ। इनिशियली एक अच्छी चीज़ रही मेरे लिए कि इनिशियली मैंने इक्विटी से स्टार्ट करी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी शायद वो मेरे लिए बहुत अच्छा स्टेप रहा, ताकि जो इनिशियली ऑप्शंस में आने से जो हिट मिलता है उससे मैं बच गया और मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के डायनेमिक्स को समझ पाया थ्रू इक्विटी ट्रेडिंग। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी
एंड उसके बाद अभी तो ट्विटर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के थ्रू थोड़ा थोड़ा अपना कंटेंट पार्ट शेयर करते रहते हैं। एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे, ये हो गया मेरा पर्सनल इंट्रो, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा ना आजकल थोड़ा मार्केट में फ्लैश क्रैश जैसी चीज़ें, अभी रिसेंटली 17th of January को बैंक निफ्टी में 1400 पॉइंट का गैप डाउन भी हुआ था, तो ऐसे मार्केट हो चुका है कि अगर आप बहुत कॉशियस नहीं हो अपने ट्रेड्स को लेके, खासकर पोजिशनल ट्रेडिंग को लेकर के, आजकल तो इंट्राडे में इतने स्पाइक्स आ रहे हैं, तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, मतलब कंप्लीटली वाइप आउट हो सकता है अगर आपने ठीक तरीके से अपने पोजिशन को बनाया नहीं है तो, राइट। तो इसको पहले देखेंगे कि ऐसा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कर सकते हैं जिसके थ्रू, मतलब कितना भी वर्स्ट कंडीशंस हो जाए, जो ब्लैक स्वान इवेंट जिसको बोलते हैं कि 1000-2000 या सर्किट लग जाए मार्केट में, तो हम कैपिटल वाइप आउट ना करें, 5-6% के ही ड्रॉडाउन पे रहें, मैक्स ड्रॉडाउन। मैं सर्किट की बात करूं कि अगर इंडेक्स में कल को सर्किट लग जाती है या 1500-2000 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो हम कैसे उस चीज से बच सकते हैं, एंड उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी पार्ट पे आएंगे। क्योंकि इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरी ट्रेडिंग में मेरा क्या रहता है हमेशा ना, कि मुझे पैसा बने ना बने चलेगा, लेकिन मेरे को कैपिटल का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर मेरा, मैं कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं बनाता, तो कोई भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे ओवरनाइट पोजीशंस ऐसे कभी नहीं होते जहां पे मैं अपने पूरे कैपिटल का 6-7% से ज्यादा का रिस्क ले रहा हूँ। मतलब अगर मेरी कोई भी पोजीशन है और कल अगर 10% की लोअर सर्किट भी लग जाए तो मैं हार्डली 6-7% का लॉस लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। बट जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जो लोग भी पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके लिए एक सवाल है कि खुद से पूछो कि आप जो पोजिशन कैरी करके जाते हो या स्ट्रैटेजीज कैरी करके जाते हो, तो उसमें एक लोअर सर्किट लगने पे आपका कितना लॉस हो सकता है। इफ इट इज अबव देन 10%, ठीक है, या हार्डली 20% तो एक्सट्रीम माना जाता है, वो तो मतलब ज्यादा ही हो गया, लेकिन 10% के अगर ऊपर आप रिस्क लेके जा रहे हो, इट मीन्स कि बस यू आर जस्ट वन डे अवे फ्रॉम लाइक कि आप मार्केट से बाहर हो जाओ, मार्केट आपको फेंक देगा। चाहे आप 10 साल का एक्सपीरियंस लेके हो, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस लेके हो, आपने कितना भी रिटर्न बनाया है, धीरे धीरे जब हमारा कैपिटल ग्रो होता है तो पोजिशंस भी ग्रो होती है, तो पहले जो आप प्रॉफिट बना रहे थे अब बड़े कैपिटल पे बना रहे हो, तो लॉस भी होगा तो बड़े ही कैपिटल पे होगा। तो आप खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैं पोजिशन जो ओवरनाइट कैरी करके गया हूँ वो मेरा ब्लैक स्वान इवेंट रिस्क फ्री है, मतलब ब्लैक स्वान इवेंट का जो रिस्क है उससे फ्री है, क्या मैं 10% से ज्यादा लूज कर पाऊंगा। इफ आंसर, अगर आपका आंसर यस है, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट ये वाली स्लाइड और जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसको देख लो, ट्रस्ट मी, उसके बाद आपके मन से वो डर निकल जाएगा, आप ओवरनाइट पोजीशंस आराम से ले सकते हो, एंड वो ब्लैक स्वान इवेंट पे आप हार्डली 6-7% पे अपने रिस्क को मिनिमम वो रेगुलेट कर पाओगे, उसको रोक पाओगे, ठीक है। ओके रोहित भाई, तो इसको मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा, बहुत डिटेल में मतलब है चीजें, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट, बट फिर भी मैं ब्रीफ करूंगा थोड़ा कि देखो जब भी हम पोजीशंस लेते हैं, ऑप्शन सेलिंग की बात हो रही है, ऑब्वियसली मैं ऑप्शन बाइंग करता नहीं, मैं फुल टाइम ऑप्शन सेलर, तो और मैं ज्यादातर पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, इंट्राडे में इतना गामा स्पाइक होता है कि वो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट नहीं करता है। तो ओवरनाइट पोजिशन या पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की बात होती है। जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो वहां पे ये हो जाता है कि तीन तरह के हेज होते हैं, एक है पार्शियल हेज, दूसरा है फुल हेज और तीसरा ओवर हेज। पार्शियल हेज मोस्टली लोग करते हैं या जानते होंगे, जैसे स्ट्रैडल है, मान लो हमने एक पुट बेची तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमने कॉल भी बेच दिया, तो इट इज कॉल्ड पार्शियल हेज, कि इस लॉस को ये कंपनसेट करेगा, इस लॉस को ये कंपनसेट करेगा अगर इधर होगा, बट वो लॉस पार्शियली कंपनसेट हो रहा है, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर कोई बड़ी मूव आएगी तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, ये पार्शियल हेज वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है फुल हेज, जो थोड़े समझदार ट्रेडर्स हैं, जो थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो फुल हेज पोजीशंस कैरी करते हैं, जिसमें आपका आयरन कॉन्डर आ जाता है, जिसमें फुल मतलब पार्शियल हेज का मतलब अनडिफाइंड रिस्क, आप अनडिफाइंड रिस्क के साथ काम कर रहे हो, कभी भी कुछ भी हुआ काम खत्म, राइट, आप मार्केट से बाहर फेंक दिए जाओगे। फुल हेज में क्या होता है, फुल हेज में आपकी स्ट्रैटेजी आ जाती है, जैसे आयरन कॉन्डर, आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, डेबिट स्प्रेड्स या इवन कैलेंडर्स फॉर इंस्टेंस, राइट। बट अगर हम आयरन फ्लाई और बटरफ्लाई को छोड़ दें तो आयरन कॉन्डर हो गया, डायगोनल कैलेंडर्स हो गए, जो आयरन कॉन्डर मोस्टली लोग करते हैं, तो उसमें भी जो रिस्क होता है ना,
वो आपको बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि 20% 25% के रिस्क पे भी लोग ट्रेड करते हैं हार्डली। मतलब एक नॉर्मल आईसी बनाओगे तो उसमें आपका जो टोटल कैपिटल का जो रिस्क होता है ना वो अराउंड 20% होता है। अभी हम इसको बना के भी देख लेते हैं कि एक नॉर्मल आईसी लोग कैसे ट्रेड करते हैं, फिर हमें ज्यादा समझ में है, ठीक है? ओके, जैसे मान लो फ्राइडे था, फ्राइडे शाम को अगर मुझे बैंक निफ्टी में एक पोजीशन बना के जानी थी वीकली में, तो लेट्स से जो लोग जनरली करते हैं कि 0.2 का डेल्टा भेज दिया, जो नॉर्मल जो स्ट्रैटेजीज यूज होती है ना मार्केट में, जो लोग यूज करते हैं वन स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर, मतलब वन स्टैंडर्ड डेविएशन के दूर जाके या 0.2 डेल्टा सेल किया, ऐसे करके हम देखते हैं और इसमें हम रिस्क समझेंगे कि क्या रिस्क है। तो मैंने दोनों साइड में 0.2 के अराउंड डेल्टा मैंने सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड इसके हेज अपने, कोई कोई हेज 500 पॉइंट दूर रखता है, कोई कोई हेज 1000 पॉइंट दूर रखता है, यहाँ पे अपने हम 500 पॉइंट ही दूर रखेंगे, बट फिर भी ये बहुत मतलब सेफ ही मानूंगा, बट स्टिल देयर आर पीपल जो मतलब 1000 पॉइंट दूर भी हेज रखते हैं, राइट? यहाँ पे एक नॉर्मल बहुत कंजर्वेटिव आयरन कॉर्नर बनाया है, ठीक है रोहित भाई, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है? नहीं, इट्स सिंपल आयरन कॉर्नर, आई थिंक एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड इट। आयरन फ्लाई नहीं, आयरन कॉर्नर, ठीक है। तो एक बेसिक आयरन कॉर्नर मैंने वीकली का बनाया जिसका मैंने 0.2 के आसपास का डेल्टा बेचा है। आई एम कवरिंग ऑलमोस्ट वन स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉल साइड में थोड़ा सा मैं दूर कर लूं ताकि मेरा वन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो पार्ट है, यस अभी मैं वन स्टैंडर्ड डेविएशन भी कवर कर रहा हूं। एंड यहां पे जो रिस्क है अगर आप देखोगे तो जो मैक्स लॉस है ना, मैक्स लॉस इज 15.1%। सो यहां पे हमने एक नॉर्मल आयरन कॉर्नर बनाया हुआ है। अब इसमें जो हमारा जो डिप्लॉयड कैपिटल है, एस्टिमेटेड मार्जिन है, उसमें हमारा जो रिस्क है अराउंड 15.1% का है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर किसी भी दिन अगर मार्केट में लेट्स से मैं कहता हूँ कि 5% का भी सर्किट लग गया, 5% का भी सर्किट लग गया, 10% का सर्किट लग गया, 7% पे आपका जो लॉस होगा अराउंड 13-14% का हो रहा है, बट इट इज अ फुल हेज पोजिशन, राइट? अब यहाँ पे जो हम इस चीज को जो 13-14% का हम रिस्क लेके चल रहे हैं, इसको हम कैसे कम कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे, अगर अभी तो मैंने फिर भी कंजर्वेटिवली बहुत 500 पॉइंट ही दूर रखा है, अगर हम इसको 1000 पॉइंट दूर रखते हैं जो कि नॉर्मली लोग करते भी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोहित भाई कि जो रिस्क है वो आपका 27.5% हो गया। बट उसके अंदर दो बातें और आ जाती है ना कुंदन भाई। हाँ। एक तो पहला तो ये आ जाएगा कि हमारी 100% कैपिटल तो इसके ऊपर रहेगी नहीं, एक पोजीशन के ऊपर, दैट इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट है कि अभी हम लोगों ने कोविड भी देख लिया, ठीक है, सर्किट लगे थे कोविड के टाइम पे, ठीक है, दैट इज वन थिंग। और वो भी जो सर्किट लगे थे तो गैप डाउन, जो गैप अप हो रहा था वो 5-5 या 4-4% का हो रहा था, ठीक है, जिस जगह पे प्रेटी ऑब्वियस है कि हो रहा है। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में जो गैप अप गैप डाउन होते हैं हमने 1.5% से ज्यादा तो देखा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली 17th ऑफ जनवरी को बैंक निफ्टी में करीब करीब 1500 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था, करेक्ट? 3% का, हाँ 3% का गैप डाउन हुआ था लास्ट 2-3 महीने पहले की बात है। हाँ याद आ गया, जिस दिन वो मिड कैप का राउट हुआ था ना एकदम से, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका जो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, फिर तो यू नो क्या होगा, किसी भी, हाँ मैं किसी भी ओवरनाइट पोजीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आपको पता चल गया ना रिस्क क्या है, राइट, कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट देयर आर ट्रेडर्स जो कर रहे हैं इस चीज को। और मैं तो मतलब ट्विटर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वेरीफाइड पैनल वगैरह भी शेयर करते हैं, उनके अगर आप जाके ओपन पोजीशंस में देखोगे ना तो 400-400 पॉइंट के दूर के पुट्स बिके होते हैं और अगले दिन एक्सपायरी, करेक्ट? तो ये उनके लिए है। अगर आप समझदार एनफ हो, स्मार्ट एनफ हो कि मुझे ये चीज नहीं करनी, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, तो ठीक, अच्छी बात है, बट स्टिल अगर आपको नहीं यही करना है, मुझे वीकली, मुझे एक्सपायरी से एक दिन पहले के पोजिशन लेके जाने हैं, 2 दिन पहले के पोजिशन लेके जाने हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो कि आपका जो रिस्क है वो कम रहे, उस चीज के लिए हम अपना,
हाँ दैट्स द क्वेश्चन है कि अगर करना ही है तो थोड़ा और बेहतर तरीके से कर ले जहां पे अपने को रिस्क थोड़ा कम लगे, करेक्ट? या जो हमें ये बड़ा रिस्क है ये चीज ना हो, है ना? यस। तो इस चीज को करने के लिए ना एक जो तीसरा पार्ट आता है, जो तीसरा है जो जिसको बोलते हैं, वो होता है ओवरएज करना, मतलब थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पे करना जो कि आपके पोजीशन के लिए इंश्योरेंस का काम करेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? अब यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके 10 lots हैं, 10 lots पे आपको क्या करना है कि जनरली पुट साइड में, कॉल साइड में तो आपको उतने बड़े रिस्क नहीं दिखते हैं, बट पुट साइड में 2 से 3 lots आपको एक्स्ट्रा बाय कर लेना है अगर आप ट्रेड करना चाहते हो। ये 2 से 3 lots जो होगा आपका जो मेजर रिस्क है वो चीज को खत्म कर देगा, क्योंकि आपका आपने जो पोजीशन बनाई उसमें एक डिफाइंड लॉस था, लेकिन जो आपने ओवर हेजिंग करी है वो आपको अनलिमिटेड, वो 3 lots आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट दे सकता है, जो कि आपकी T+0 लाइन को एक बहुत बेहतर ढंग से कर देता है। और दूसरी बात कि कभी भी जब भी इतने बड़े गैप डाउन होते हैं मार्केट में तो एक चीज जो सबसे ज्यादा स्पाइक करती है वो है IV, और जब भी आपके पास एक्स्ट्रा बाइंग है और ऐसी पोजिशन बनती है तो वहां पे आपका जो IV है वो 10% तो कम से कम बढ़ेगा ही, जिससे आपकी जो T+0 लाइन है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर अपलिफ्ट हो जाती है। मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा देता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। कुंदन भाई एक चीज मेरे को देखनी है यहाँ पे, जब हम लोगों ने इसके जो लॉट साइज थे पुट साइज पे बढ़ाए थे और जब IV बढ़ाई थी उससे पहले हमारा मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा था और करने के बाद मैक्सिमम लॉस कितना? वही चीज, वही मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे अगर 6% के आसपास पकड़ो या 5% पकड़ो, ठीक है 5% बहुत नॉर्मल है, मतलब अगर इन केस ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट, तो अगर हम 5% पे लेके चलते हैं तो हमें जो लॉस दे रहा है T+0 लाइन अगले दिन के लिए, दैट इज 71,000, करेक्ट? Yes. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे तो 71,000 का आपको लॉस हो रहा है, एंड लॉस हो सकता है अगर 5% का सर्किट लगता है, एंड जो आपका प्रॉफिट है वो 23,000 के आसपास है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने 3 lots एक्स्ट्रा बाय कर लिए, ठीक है? कॉल साइड में आप चाहो तो करो, नहीं चाहो नहीं करो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जनरली पुट साइड का प्रोटेक्टेड रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 lots एक्स्ट्रा बाय करे, मेरा 23,000 से जो मेरा 23,000 का मैक्स प्रॉफिट था वहां से 23,000 से वो शिफ्ट होकर 21,000 आया। 21,000 मतलब 2,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा अपने जेब से दिया, लेकिन वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे करके अगर कल को 5% की सर्किट लगती है तो जो मुझे 71,000 का लॉस हो सकता था वो अब सिर्फ 42,000 का हो रहा है। तो ऑलमोस्ट आपने 2,000 रुपए पे करके आपने 30,000 का जो लॉस है उसको आपने रिस्क को रिड्यूस कर दिया। और अगर 5% से ज्यादा होता है, अगर कभी मान लो फ्यूचर में कि 10% का सर्किट लग गया तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, आपको कोई आपको कभी लॉस नहीं होगा। अगर हम एक नॉर्मल जो 3% की बात कर रहे थे, आप 3% की बात कर रहे थे ना कि 3% हार्डली, जैसे जो 1500 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, अगर हम 1500 पॉइंट के गैप डाउन पे डिस्कस करें, 1500 पॉइंट पे डिस्कस करें जो कि 3% के आसपास होता है, तो 3% पे आपको जो लॉस हो रहा है दैट इज अराउंड 30,000 के आसपास हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास ओवरेज पोजिशन है तो जो 30,000 का लॉस है वो आपका सिर्फ 20,000 हो रहा है। Okay. तो आप जो रिस्क ले रहे हो, मतलब जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है दैट इज मोर देन, मतलब बहुत ज्यादा है। मैं एक रियल एग्जांपल, जब ये बैंक निफ्टी की पोजीशन थी ना, राइट, अरे जब ये बैंक निफ्टी में फॉल आया था तो मेरे पास उस दिन सिर्फ 500 पॉइंट दूर की मेरे पास पुट्स बिकी हुई थी, ओके, करेक्ट? एंड मैंने एक बैटमैन पोजीशन बनाया था, अगर आप चाहोगे तो मैं सिमुलेट भी कर सकता हूँ उस चीज को। तो मैंने एक बैटमैन पोजीशन बनाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास 1.2 शेयर की पोजीशन थी, ठीक है? वो मैंने लाइव शेयर किया था अपने टेलीग्राम में भी, ऑल दो फ्री है, मतलब कोई वो चीज नहीं है, मैंने लाइव शेयर किया था वो पोजिशन, एंड 1.2 शेयर की पोजिशन थी जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर हेजिंग आई गॉट सेव्ड। अदरवाइज 1.2 CR पे मुझे जो उस दिन लॉस होता ना, कम से कम 25 lakh rupees का लॉस होता, मतलब ऑलमोस्ट 20% मेरे उड़ जाते अगर मैं ओवरहेज पोजीशन नहीं रखता तो। सिर्फ और सिर्फ ओवरहेज की वजह से मुझे जो लॉस हुआ है वो 70,000 का हुआ, दैट इज लेस देन 1%। ओके, कैन यू इमेजिन?
तो वो जो है ना कि आप ऐसी पोजीशन, आप एक बिजनेस करने बैठे हो, आप कभी भी ऐसी ऐसे चीज नहीं कर सकते हो जहां पे कभी भी अगर एक डिजास्टर है और आप आपका काम खत्म हो जाए, आप ऐसी पोजीशंस कभी कैरी नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज, अगर देखो अगर एक अच्छी रिस्क, जैसे आयरन फ्लाई इज अ गुड रिस्क प्रोडक्शन, उसमें आपको ओवर रिस्क करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां ठीक पे है रिस्क ऑलरेडी छोटा होता है। लेकिन अगर आप बैटमैन कर रहे हो, आप अगर आयरन कॉन्डोर कर रहे हो पोजिशनली, राइट, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 10 लॉट जब बेचा है ना तो 12 लॉट हेज बाय करो। वो 2 लॉट जो एक्स्ट्रा है ना वो आपको उस ब्लैक शॉन इवेंट से हमेशा बचा के रखेगा। ओके जस्ट मेरा ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और 2-3 बार ऐसा हुआ है कि बड़े गैप्स में ये जो ओवर हेजेस हैं जिसने मुझे बचाया। अभी रिसेंट का है वो उस वो जब वो हुआ था ना, ये अभी 17 जनवरी का हुआ था, तो मैंने 18 को अपने चैनल पे प्रॉपर एक्सप्लेन करके वीडियो बनाई थी कि देखो ये मैं पोजिशन लेके गया था, ऐसा हुआ और इतना लॉस हो सकता था और इतना ही हुआ था, तो मैं बचा। मैं सिर्फ और सिर्फ ओवर हेजिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से बच गया। तो इस वजह से जब भी मेरे पास कोई आता है और ऐसे आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी यूज करता है या बैटमैन यूज करता है, मैं बोलता हूँ भाई आप 2 लॉट ही एक्स्ट्रा बाय कर लो, लेकिन वो आपको बचा के रखेगा क्योंकि नो वन नोज कि कल क्या हो। करेक्ट, ठीक है, आगे ठीक है बढ़े, इसमें कोई या कंफ्यूजन आपको? नहीं तो ओवर हेजिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप थोड़े बड़े रिस्क के साथ आप कर रहे हो, एक दो लॉट एक्स्ट्रा बाय कर लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके बाद अब आते हैं स्ट्रैटेजी पार्ट पे, ठीक है। स्ट्रैटेजी पार्ट से थोड़ा सा पहले मैं बता दूं कि एज एन ऑप्शन सेलर व्हाट आई टारगेट, राइट। तो मेरा क्या होता है कि मैं साल के सिर्फ 30% रिटर्न में बहुत खुश हूँ। आई डोंट टारगेट फॉर 100%, 50%, 80%, क्योंकि आई नो कि अगर मेरे को 100% टारगेट करना है तो मेरे को उतना रिस्क भी लेना पड़ेगा। एंड पर्सनली आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर, मतलब कि क्योंकि ब्रेड एंड अर्नर मैं हूँ घर का, तो मैं मेरे को है कि अगर 30-35% मैंने अगर साल के बना लिए ना, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। मतलब उससे ज्यादा मैं टारगेट नहीं करता क्योंकि बहुत कम रिस्क के साथ वो अचीव किया जा सकता है, देन वही चीज मैं फॉलो करता हूँ। तो और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगो, क्योंकि जैसे वो ड्रॉडाउन आपका 3-4% के ऊपर जाता है ना, साइकोलॉजी हिट करने लगती है एंड देन वहां थोड़ी प्रॉब्लम आती है एज अ पोजिशनल ट्रेडर या किसी भी तरह से आप कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा क्या है, 30% का मैं साल का टारगेट करता हूँ। उस 30% को मैंने ब्रेक डाउन करा हुआ है कि वो 30% मुझे कैसे अचीव करना है। 30% क्यों मैंने रखा हुआ, क्योंकि मोस्टली जो इक्विटी है या म्यूचुअल फंड में वो 15 से 16% आपको रिटर्न बना के देते हैं। अगर उससे डबल मैं कर रहा हूँ दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी, और स्केलेबल लेवल पे कर पाओ, मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ वो जो जो काम आप कर रहे हो बड़े स्केल पे नहीं कर सकते हो, तो वो मैं बिलीव नहीं करता। आप ऐसा काम करो जो स्केलेबल हो, लाइक 1-5-10 CR तक भी आप स्केल कर सकते हो इजिली, तो वो सिस्टम पे मैं काम करता हूँ। तो मैंने मेरे जो 30% का जो मेरा एनुअल टारगेट है ना, मैंने उसको ब्रेकडाउन करा हुआ है। उसको मैंने ऐसे ब्रेकडाउन करा हुआ कि मेरा जो 90% कैपिटल है वो मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है जीसेक में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है। उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे जो रिटर्न मिल रहे हैं आज के टाइम पे, दैट इज 7.38%, ठीक है। एंड जो मैंने जीसेक बाय किया हुआ है उसमें जो मुझे कोलेटरल मिलता है दैट इज 95%, सिर्फ और सिर्फ 5% का हेयर कट है, एंड 5% हेयर कट करके मुझे 95% का कोलेटरल मार्जिन मिल जाता है एट 0 इंटरेस्ट। अब उस 95% मार्जिन से मैं कुछ भी ट्रेडिंग वगैरह कर सकता हूँ, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर्स वगैरह मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो इस जो 90% मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, उससे जो 7.38% का रिटर्न है, मैं मोटा मोटी उसको 6% का पकड़ लेता हूँ कि मेरे ओवरऑल कैपिटल पे वो 6% का रिटर्न मुझे जनरेट करके दे रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग, एंड मैं अपना कैपिटल रीयूज कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक पहला पार्ट हो जाता है। उसके बाद जब 30% में से 6% मेरे बन गए बिना कुछ टेंशन लिए, बचता है मेरा 24% का रिटर्न। उस 24% रिटर्न को मैंने ब्रेक डाउन करा हुआ कि मुझे मंथली कितना बना, तो मंथली 2% बनते हैं। अब उस 2% रिटर्न को भी मैंने ब्रेक डाउन कर दिया कि वीकली मुझे कितना चाहिए। तो 2% मंथली बनाने के लिए मुझे वीकली सिर्फ और सिर्फ 0.5% रिटर्न चाहिए। अगर मैं हर हफ्ते 0.5% बना रहा हूँ, महीने का 2% होता है और साल का 24%, और ओवरऑल में मेरा 30% का टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे, तो अभी हम जो स्ट्रैटेजी करने वाले हैं तो एक 2DT स्ट्रैटेजी हो गई, मतलब 2 दिन के ही उसका टाइम पीरियड है, कभी कभी 1 दिन में भी हो जाता है। 2DT स्ट्रैटेजी हो गई, और 2DT स्ट्रैटेजी में अपने क्या करेंगे कि 0.5% बनाने का टारगेट करेंगे।
और जैसे हमारा 0.5% टारगेट हुआ बंद, बाकी के 3 दिन और आपके बचते हैं, आप चाहो तो उसमें और भी चीजें आप अगर ट्रेड करते हो कर सकते हो, लेकिन जो हम मेथड जानने वाले हैं उसमें आप 0.5% इजिली बना सकते हो हर हफ्ते एट अ वेरी मिनिमम रिस्क। द कॉन्सेप्ट इज कि आप पैसे बनाओ, लेकिन उस पैसे को बनाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हो ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सेलिंग में कहा जाता है, देयर इज अ सेइंग कि ऑप्शन सेलर्स ईट लाइक एन एलिफेंट एंड शिट, सॉरी, ईट लाइक एन एंट एंड शिट लाइक एन एलिफेंट। छोटा छोटा ऑप्शन सेलर कमाता है और जब देता है ना बहुत बड़ा उसका चला जाता है, बहुत बड़ा देना पड़ता है उसको। तो बस मैं उस चीज को रखता हूँ कि मैं छोटा छोटा कमाऊंगा, बट मैं जब लॉस करूंगा ना तो मुझे लॉस भी उससे भी छोटा करना है। अगर मैं 0.5% वीकली का रिटर्न में टारगेट कर रहा हूँ तो जो अगर मुझे कभी लॉसेस भी हो तो वो 0.5% से कम हो, ताकि मेरा एक तो आरआर मेंटेन रहे, राइट, और मुझे कभी भी वैसी पोजिशन में ना बैठना पड़े जहां पे मेरा ज्यादा ड्रॉडाउन आ गया। ओके, ठीक है, ये मेरा मोटो होता है और यही मोटो की तरफ से बहुत कंजर्वेटिव वे में जो रिटर्न बना सकते हो वही स्ट्रैटेजी हम अभी डिस्कस करने वाले, ठीक है। अब जो सेटअप है ये बैंक निफ्टी का है, मैं पर्सनली मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, आप चाहो तो निफ्टी में भी ट्राई आउट कर सकते हो विद द सिमिलर रूल्स, बट मैं आपको बैंक निफ्टी में एक एक करके बताता हूँ। आपको एंट्री 2 दिन पहले लेनी है, लेट से आज के टाइम पे जो एक्सपायरी है वो आपकी हो जाती है वेडनेसडे को, राइट, तो वेडनेसडे को यानी कि आपको जो एंट्री लेनी होगी वो मंडे लेनी है एक्सपायरी से 2 दिन पहले, राइट, और जो एंट्री का टाइम होगा ना वो अराउंड 3:15 के बाद होगा, मतलब उस दिन की मूवमेंट को आप अवॉइड कर रहे हो, आप ओवरनाइट पोजीशन बना के जाओगे। तो एंट्री 2 दिन पहले यानी मंडे को, एंड जो टाइमिंग है वो है 3:20-3:15 के आसपास, देयर इज नो मतलब इट्स नॉट एल्गो, ये डिस्क्रिशनरी है, तो 3:15-3:20 के आसपास जब भी आप कंफर्टेबल हो आप डाल सकते हो। आई यूजली डिप्लॉय बिटवीन दिस टाइमिंग 15-20 के बीच में, जब भी मुझे सही प्राइस थोड़े मिलते हैं मैं डिप्लॉय करता हूँ, राइट। अब करना क्या है वो हम पहले मैं ऐसे बता देता हूँ, फिर हम स्टॉक मार्केट पे भी चल के समझेंगे। तो करना क्या होता है कि आपको जो भी स्पॉट चल रहा है ना उस स्पॉट से 300 पॉइंट दूर का पहले आपको बाय करना है, पहले इसको ना समझते हैं यहाँ से ज्यादा समझ में आए, ठीक है। जैसे मान लो अभी हम अगर अप्रैल में देखेंगे तो अप्रैल में मंडे को शाम को 3:15 पे हम पोजिशन बना रहे हैं, राइट। तो मैंने क्या बोला, स्पॉट है ना, स्पॉट से 300 पॉइंट दूर यानी 47,600 स्पॉट चल रहा है, तो स्पॉट से 300 पॉइंट दूर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लॉट बाय कर लेना, करेक्ट। अब उसके बाद आपको जो सेल जो लेग आपने बाय किया उससे 200 पॉइंट और दूर जाके आपको एक लॉट सेल करना है, एंड उससे एक स्ट्राइक और नहीं यहाँ पे एक लॉट, हाँ, कुछ ऐसी पोजीशन बनानी, बेसिकली इट्स अ लैडर, ओके, बेसिकली इट्स अ लैडर, इसको इस स्ट्रेटजी बोलते हैं एक लैडर स्ट्रेटजी। एंड उसके बाद जब भी आप कर लेते हो, अब एक रीजन, चलो पहले बना लेने दो फिर मैं बताता हूँ कि क्यों हम कॉल साइड में ही बना रहे हैं, पुट साइड में क्यों नहीं बना सकते, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी 48,200 है ना, कोई भी 3-4 रुपए की जो प्रीमियम है वो आपको सेल कर, वो आपको बाय करके मार्जिन बेनिफिट ले लेना है। अब मैंने ये बना दिया टोटल इस ट्रेड में जो मेरी डिप्लॉयमेंट है दैट इज अराउंड 50,000 रुपीज, और जो मेरा डाउनसाइड में रिस्क है दैट इज 0.4, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा कि जब कभी भी हम ये डिप्लॉय करेंगे तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी बंदे को अगर वो लॉस डाउनसाइड का 0.2% से ज्यादा है, इट मींस कि वहां पे वो ट्रेड हमें नहीं डाल, मतलब कि अब यहाँ पे जब मैंने अप्रैल में बनाया तो यहाँ पे जो डाउनसाइड का हमें लॉस दिख रहा है दैट इज 0.4%, यानी कि इस दिन के लिए सेटअप नहीं बन रहा है, अपने इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक दो वीक का और मैं दूर जाके देखता हूँ शायद बन जाए, अप्रैल में ही मान लो हम ये तो नहीं बना, 8th को देखते हैं, ठीक है। वही सेम स्पॉट से 300 पॉइंट दूर आपको जाना है, एंड उससे भी 200 पॉइंट दूर आपको सेल करना है, एंड 100 पॉइंट और दूर जाके सेल करना है, दिस केस 0.2% फॉर नाउ, 0.2% रहेगा चलेगा, 14,200 है ना, उससे ज़्यादा होगा, और जो हेज बाय करना है ना दूर का वो जस्ट मार्जिन बेनिफिट के लिए रहेगा, ठीक है। 5th February को मैंने क्या किया, 45,900 है, 300 पॉइंट दूर गए हमने, ये देख सकते हो टाइमिंग 3:16 के आसपास है, 46,200 बेचा, उससे 200 पॉइंट दूर एक सेल एक लेग और उससे 100 पॉइंट दूर एक लेग और, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बहुत अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे हैं, एंड जो हेज है वो हेज आर ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट दूर जस्ट फॉर द मार्जिन बेनिफिट। अब यहाँ पे जो
हमें मिल रहा है ना डाउनसाइड का प्रीमियम, दैट इज 1%, थोड़ा हाई विक्स की वजह से 1% मिल रहा है, तो इतना नहीं लेके जाना है, अपने को 0.5% का ही टारगेट है। तो अगर कभी भी अगर आपको लगे कि नहीं नीचे ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है, तो वो ग्रीड नहीं लाना है, क्योंकि जितना आप ज्यादा क्रेडिट लेके जाओगे ना डाउन साइड में, आपकी जो टी प्लस जीरो लाइन है, ये जो टी प्लस जीरो लाइन है, वो ज्यादा रिस्क दे सकती है, वो आपको सडन अपसाइड मूवमेंट में वो ज्यादा तकलीफ दे सकती है। तो व्हाट यू कैन डू कि आप एक एक स्ट्राइक थोड़ा दूर करके वो जो रिस्क है उसको कम कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो 0.4% का डाउन साइड में हमें वो मिल रहा है, क्रेड मिल रहा है, दैट इज एनफ। इससे ज्यादा अपने को लेके नहीं जाना, अगर मिल रहा है अच्छे प्रीमियम्स तो, और अगर ये प्रीमियम्स अच्छे नहीं मिल रहा है तो डाउन साइड में सिर्फ और सिर्फ 0.2% अगर लॉस पे हमारी पोजीशन बन रही है तो हम डिप्लॉय करेंगे, अदरवाइज हम उसको उस वीक के लिए अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हमें इजिली 0.4% का क्रेडिट मिल रहा है, दैट्स इट। अब क्या करना है, ये पोजीशन बन गई, हमने बेसिकली 46,200 का कॉल बाय किया, विच इज 300 पॉइंट्स अवे फ्रॉम स्पॉट, देन उसके 200 पॉइंट दूर जाके सेल किया, एंड उसके 100 पॉइंट दूर ही बेचना था, बट क्योंकि प्रीमियम्स हाई हैं तो और हमें ज्यादा क्रेडिट मिल रहे थे, अपने ज्यादा क्रेडिट लेके नहीं जाना है क्योंकि रिस्क कम रखना है, इस वजह से हमने हेज को इस बार जो दूसरा सेलिंग ले गए उसको 200 पॉइंट दूर रखा, एंड उससे 500-1000 पॉइंट जाके हमने एक हेज सिंपल बाय कर लिया। एंड ठीक है, अब इसको अगर हम सिमुलेट करेंगे, यहाँ पे आपका अगर मैं एडजस्टमेंट बताऊं तो डाउन साइड का कोई एडजस्टमेंट आपको खास करनी नहीं है, जो भी मेजर एडजस्टमेंट होगी ना वो आपकी जो पहली बाइंग लेग है वहां पे होगी, कि अगर स्पॉट इज ट्रेडिंग एट 45,853 तो 46,200 पे आएगा मार्केट, तभी आपको कुछ भी करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है, आप बैठे रहोगे जैसे मूव करते रहेगा करते रहेंगे, एंड अगर आपको 0.5% 0.6% का टारगेट मिलेगा तो यू विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। ठीक है, ओके। अब इसको मैं कर रहा हूँ, इसको मैं 20 लॉट्स पे करता हूँ, एक मैं पोर्टफोलियो ऐसे कि 10 लाख का अगर अकाउंट साइज है तो 10 लाख के अकाउंट साइज पे आप इसको आराम से कर सकते हो, 8.5 लाख का डिप्लॉयड मार्जिन होता है, पोजीशन साइजिंग 10 लाख पे रख के आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर हम सिमुलेट करेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट डे अगर हम जाए तो अपने को कुछ भी नहीं करना है जब तक कि हमारे बाइंग लेवल पे नहीं आता यहाँ पे, राइट, धीरे धीरे आप करो, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर गेटिंग मोर देन 0.5% 0.6% मिल रहा है, विच इज 5100 रुपीज, आपको एग्जिट ले लेना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ये ट्रेड डालने का फायदा क्या है कि आप मंडे की पोजीशन को, मंडे की मूवमेंट को आप अवॉइड कर रहे हो, मैं एक बार फिर से वापस जाता हूँ जहाँ पे हमने ट्रेड डिप्लॉय करा था, आप मंडे की मूवमेंट का अवॉइड कर रहे हो, नेक्स्ट डे आपको ये जो लॉस दिख रहा है ना कि अगर 300 पॉइंट का गैप अप हो गया, ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, तो डोंट वरी, क्योंकि ओवरनाइट थीटा होता है, तो अगर नेक्स्ट डे गैप होता है 200-300 पॉइंट का तो जो टी प्लस जीरो लाइन है वो अपलिफ्ट हो जाएगी। रोहित भाई आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पर यहाँ तक? नहीं, आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर राइट नाउ। हाँ, तो हम ऐसे वीक्स भी देखेंगे जहां पर डिप्लॉयमेंट करने के बाद तुरंत ही नेक्स्ट डे गैप अप हो गया, तो उसको भी हम सिमुलेट करेंगे ताकि वो जो रिस्क दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे लॉस हो सकता है वो नहीं हो। पर आप ये कह रहे हो इसके अंदर कि हमें किसी भी हालत में इस ट्रेड को प्रॉफिट टारगेट से ज्यादा कैरी नहीं करना है? नहीं, अपने को 0.5% आ गया आप निकल लो, अगर आपके पास मल्टीपल लॉट से, लेट से आप अगर इसको 20 लाख 50 लाख पे कर रहे हो तो 0.5% 0.6% आने के बाद आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हो। पार्शियल बुकिंग करने से क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे 5700 रुपीज आ रहे हैं, करेक्ट, 0.7% आ रहा है ना, अगले दिन 11 बजे तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लंबा होल्ड करना है तो व्हाट आई कैन डू कि मैं इस पे 10 लॉट्स काटूंगा। ये जैसे मैं जनरली नहीं करता क्योंकि मेरा बहुत सिंपल है कि यार मेरे को 2 दिन में के ही है, बाकी 3 दिन और बचे हुए, मुझे अगर 2 दिन में 0.5% मिल गया दैट इज एनफ फॉर मी, एंड फिर बाकी के 3 दिन में मैं थोड़ा और टारगेट करूंगा जो कि मेरा रिटर्न्स जो है वो मैच हो जाता है। लेकिन ये करने से क्या होता है ना कि आपने अगर 50% भी प्रॉफिट बुक किया तो आपको टी प्लस जीरो बहुत बेहतर हो जाती है, देन आप इसके लिए टारगेट कर सकते हो, बट पर्सनली अगर आप बहुत कंजर्वेटिव वे में कर रहे हो तो ये सिंपल आपका काम कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। फरवरी में थोड़े अच्छे प्रीमियम्स थे तो हमें यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स मिल गए। अभी एक वीक हम वहां सिमुलेट करते हैं जहां पे अपने को डाउन साइड में क्रेडिट नहीं मिल रहा है, डेबिट मिल रहा है, मतलब 0.2% के आसपास का लॉस दिख रहा है, हम उसको सिमुलेट करेंगे ताकि क्लियर। यहाँ पे तो ठीक ठाक 0.4 का ऑलरेडी था, मार्केट नीचे हमें इजिली मिल गया, राइट,
हमें वहां देखना है जहां पे इजी पैसा ना हो, या अगर जिस टाइम पे हमें डाउनसाइड में डेबिट हम लेके गए हैं तब भी कैसे पैसा बनाए वो हम देखेंगे। लेट्स से अगर मैं 12th मंडे का 12th फेब का करता हूं, मेरा यहां पे ना एक क्वेश्चन भी है आपसे। हां हां बताइए। अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सिंपल करंट वीक पे कर रहे हैं, करेक्ट? ये जो ओवर हेजिंग वाला कांसेप्ट है, हैव यू यूज्ड इट ऑन कैलेंडर्स आल्सो? नहीं, कैलेंडर्स में ओवर हेज नहीं करता मैं, वहां पे ओवर हेजिंग का फायदा नहीं है। करके देखा कभी कि नहीं किया? वहां पे कर सकते हो, लेकिन कैलेंडर्स में भी ना आप किस टाइप के कैलेंडर डिप्लॉय कर रहे हो वो मैटर करता है, राइट? अगर आप क्लासिक कर रहे हो, अगर आप सिंपल क्लासिक कैलेंडर कर रहे हो, तो क्लासिक कैलेंडर में क्या होता है, इट इज लाइक एन आयरन फ्लाई सिंपल। अगर मैं ये कैरी भी कर रहा हूँ 10 lots पे, ये मेरी एक्चुअल पोजिशन है, तो आई नो कि लॉस कितना है, हार्डली 6%। तो क्लासिक कर रहे हो तो उसमें ओवरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप डायगोनल कर रहे हो तो उसमें कर सकते हो ओवरेज, डायगोनल जो डायगोनल कैलेंडर्स होते हैं उसमें आप चाहो तो ओवरेजिंग यूज कर सकते हो, लेकिन क्लासिक मुझे लगा कि शायद ना जब हम लोग इनिशियली बात कर रहे थे तो आई थॉट कि शायद आप इसके अंदर यूज करते हो इस चीज नहीं, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें। हाँ, मेरे को लगा था कि ओवर हेजिंग कैलेंडर्स में भी करते हो। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। नहीं नहीं, ओवर हेजिंग अगर आप डायगोनल कर रहे हो ना उसमें आप कर सकते हो। ओवर हेजिंग मेनली जो यूज होता है, आप बैटमैन में बहुत अच्छे से ओवर हेज कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि बैटमैन में आपके पास एक इनसाइड बैंक होती है, तो T+0 बहुत अच्छे से वो ऑलरेडी वो बड़ा अच्छा काम करती है वो। हाँ, तो बैटमैन में मतलब जब भी मैं STBT पोजिशन बनाता हूँ एक्सपायरी के लिए, जिसमें दोनों साइड रिस्क में ले रहा हूँ, लाइक बैटमैन में ट्रेड करो, तो आई ऑलवेज गो विद द ओवर हेज। कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ओवरनाइट पोजिशन बनाई हुआ है STBT के पर्सपेक्टिव से, तो मैं ओवर हेज करके जाता हूँ और मैं बैटमैन ही ट्रेड करता हूँ, IC नहीं करता मैं जनरली। ओके, ठीक है, मेक सेंस। तो अभी अपने एक दो वीक ऐसा देखते हैं जिसमें मान लो थोड़े लॉसेस हो रहे हैं वो डाउन साइड में, मतलब कि मार्च में जहाँ पे नीचे ना डेबिट है, क्रेडिट नहीं एक्चुअली, तो उसमें एक्चुअली पता चलेगा कि अपने को पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है? एंड 0.2% के लॉस पे अगर अपने को मिल रहा है ना, दैट इज वेरी गुड। चलो, ये हमारा मंडे है, ठीक है, 4 मार्च, 300 पॉइंट दूर हेज हमने सेल किया, उससे 200 पॉइंट दूर जाके एक सेल किया, ये हमारा डेबिट स्प्रेड, उससे 100 पॉइंट दूर जाके हमने कर दिया, राइट? थोड़ा सा 0.2 का लॉस है। अगर इसके ऊपर हमने 1000 पॉइंट दूर का हेज बाय कर लिया जो कि 4 रुपये का आता है, दैट गिव्स मी 0.3% का क्रेडिट ऑन डाउन साइड, ठीक है? इसमें तो ईजी पैसा बन जाएगा, बट स्टिल मैं सिमुलेट कर देता हूँ। इसमें कुछ नहीं, मतलब आपको जो 0.5 का टारगेट है ना बहुत ईजिली मिल जाएगा, और ये जो चीज़ है ना, ये इससे डरो मत, नेक्स्ट डे वो तुरंत अपलिफ्ट हो जाती है जैसे मार्केट ओपन होता है। लॉट्स इंक्रीज कर दो। हाँ सॉरी, देखो धीरे 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 करके आपका जो T+0 लाइन है वो जैसे ही ऊपर जाता जाएगा ना, वो अपलिफ्ट होता रहेगा। कॉल लैडर और रेशियो के यही ब्यूटी है, आपको दिखता वो है कि सिर्फ इतना ही प्रॉफिट है, लेकिन क्या होता है, पहले ये ऊपर जाते हैं अपने एक्चुअल पोजीशन से, फिर एक्सपायरी के पास जाकर वो शेप लेते हैं, तो जब वो ऊपर अपलिफ्ट कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे हमें प्रॉफिट आ जाता है। अभी भी देखोगे 0.5 आया, लेकिन 10 लाख की पोजीशन है ना, तो मैं जनरली 5000 के ऊपर जब प्रॉफिट आता है तो ही मैं कट करता हूँ, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह भी देखना है, तो 5200-5300 जाता है, तो फिर अपने को वहाँ पे काट लो पोजीशन। और दूसरी चीज, इसके अंदर कभी वर्स्ट केस सिनेरियो देखा है? वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ ना आगे, कि यहाँ पे अपने सिमुलेट करते हैं, एंड देखो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगले दिन 10:30 बजे के आसपास 5400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, अपने काट लेंगे। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या करना है, राइट? तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको क्या करना है कि एट एनी, क्योंकि आप हर हफ्ते 0.5 से लेके 0.6 का टारगेट कर रहे हो, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, अगर आपको 0.6 का लॉस दिखता है, राइट, तो आप वो पोजीशन उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे, यू विल जस्ट सिंपली कट योर पोजीशन, ठीक है? एंड कभी कभी क्या होता है कि बड़े गैप हो जाते हैं, 400 पॉइंट का गैप हो गया, 500 पॉइंट का गैप हो गया, उस टाइम पे भी मैंने सब कुछ तरह से सारे तरीके से बैकटेस्ट करा हुआ है, वो 1% से ज्यादा नहीं होता है। तो कभी अगर गैप पे ही गैप, जैसे क्या होता है ना कि मार्केट खुला 0.4 का लॉस दिखा, अगर 0.4 का लॉस दिखा, एडजस्ट किया 0.5 गया, फिर एडजस्ट किया, बट 0.6 टच हो गया, आप काट लो, उसके बाद कोई मार्केट से फाइट नहीं करनी है, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि एक्सेप्टिंग द लॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट
एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. आप तभी तक उस मार्केट से लड़ो जब तक कि आपका जो मैक्स लॉस आपने सोचा है कि इस स्ट्रैटेजी के मेरा सेल है वो हिट नहीं हुआ. जिस दिन जिस पे टाइम पे वो लॉस हिट हो जाए ना, उसके बाद कोई फाइट नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है. मैं बहुत एडजस्टमेंट करता हूँ, बट जैसे मेरा लॉस हिट हुआ ना, काट दो, एक्सेप्ट द लॉस, क्योंकि वो लॉस आपने बनाया हुआ है वो आप रिकवर कर पाओगे, लेकिन उसके बाद भी आपने एडजस्टमेंट कराना, और वो जो लॉस होगा वो फिर नहीं होता रिकवर. ठीक है, तो इस वजह से मैं रखता हूँ. और अगर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो कभी होता भी, जनरली देखो मैंने कॉल साइड क्यों बनाया, क्योंकि रोहित भाई डाउन साइड में ना गैप डाउन के चांसेस बहुत ज्यादा है, बड़े गैप डाउन के, लेकिन गैप अप के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें प्रोबेबिलिटी पे. तो इसी वजह से हम इसको सिर्फ कॉल साइड बनाएंगे. मार्केट फेंकनी ज्यादा इजी है, चढ़ानी मुश्किल होती है. करेक्ट, नीचे में कभी भी 1500-700 पॉइंट का गैप डाउन बहुत इजी है, लेकिन गैप अप में ना बैंक निफ्टी का 1% गैप होने में एक होता है, मतलब बहुत रेयर है कि 6 महीने में एक बार कभी 400-500 पॉइंट का गैप अप हो गया, अदरवाइज वो 300-250 यही रहता है, और उतने पे अपने को कोई टेंशन होनी ही नहीं है ट्रेड में. एक्चुअली बात ये होती है ना, क्योंकि बाय साइड में जो भी बाय कर रहा है उसको जेब में से पैसा निकालना पड़ रहा है. ठीक है, अदरवाइज तो उसको सिर्फ स्टॉक जो है वो सेल ही करना है. करेक्ट, पैसा आ रहा है जेब के अंदर. और वो बहुत जल्दी करते हैं. और इसमें एक और मैंने पॉइंट का ध्यान रखा हुआ कि जब कोई मार्केट गिरता है ना, इट्स बेसिकली अ शॉर्ट वेगा ट्रेड. अगर आप देखोगे तो इसका अगर हम ग्रीक्स की बात करें ना, तो इट्स अ शॉर्ट वेगा ट्रेड राइट. यहाँ पे तो होता क्या है ना कि अगर मार्केट गिरता है, अगर आप इसको डाउन साइड बनाओगे, और अगर मैं यहाँ पे IV अगर बढ़ाता हूँ ना, तो आप देख सकते हो कि मेरी T+0 लाइन ना खराब होती जा रही है. मैंने यहाँ 40% IV बढ़ाया तो मेरा लॉस बढ़ता जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर मार्केट डाउनसाइड जाता है तो IV स्पाइक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो मैंने पुट साइड बनाया, अगर मेरा वो खत्म, मतलब मेरा जो बाइंग लेग है या मेरा सेलिंग लेग है, उस उतना बड़ा गैप डाउन नहीं भी हुआ, मेरे स्पॉट से ही अगर वो 300 पॉइंट गिर गया ना, 4% IV बढ़ गई, मुझे वो ट्रेड ज्यादा लॉस दे देगा. लेकिन अपसाइड में क्या खूबसूरती है कि अगर मार्केट स्पॉट यहाँ पे है एंड वहां से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो देयर इज हायर चांसेस कि IV विल ड्रॉप. करेक्ट, तो उस IV फैक्टर को भी लेकर के कि अगर मार्केट मान लो 300-400 पॉइंट का गैप अप हो भी गया, तो IV के ड्रॉप होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और बिकॉज इट्स अ शॉर्ट वे का ट्रेड तो आपको वहां पे भी फेवर हो जाता है. तो हर तरीके के रिस्क को मैंने सोच समझ के इसको बनाया हुआ, और मैं इसको करता हूँ. ओके, ठीक है कि आपने वेगा को खत्म कर दिया, कि बढ़ते हुए मार्केट में वेगा जनरली इंक्रीज नहीं होता, तो वो आपका काम हो जाएगा. जनरली जो बड़े गैप डाउन हो जाते हैं उसको रखा हुआ है कि नहीं भाई मेरे को गैप डाउन का टेंशन ही नहीं, कितना बड़ा गैप डाउन कुछ नहीं होगा. ठीक है, गैप अप उतने जनरली बड़े होते नहीं है, कभी हो भी गए 400 पॉइंट का तो 0.6 तक आप फाइट करो, 0.6 के बाद आप एक्सेप्ट कर लो कि भाई मैं लॉस ले रहा हूँ ट्रेड में, उससे ज्यादा उसके ऊपर फाइट आपको नहीं मारनी है. सिंपल, ठीक है. तो यहाँ पे भी देखोगे तो अपने 0.6% बन गया राइट. थोड़ा सा एक सिमुलेट में ऐसा करना चाह रहा हूँ जिसमें कि अपने को डाउन साइड में ना, क्योंकि जिसमें भी ना नीचे ना क्रेट रहेगा ना, वो बहुत इजी 0.5 देगा, बहुत इजी. आप कोई भी ऐसा वीक नहीं बता सकते हो रोहित भाई, आप मतलब एनी जो भी आपके व्यूअर हैं, जो भी आपके ऑडियंस है, किसी भी साइड किसी भी टाइम पे अगर आपको नीचे में ना मतलब 0.1% का भी क्रेडिट मिल रहा है ना, प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उसे 0.5 तो कभी भी बना के जाओगे. लेकिन जिस दिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं नीचे साइड में 0.2 से ज्यादा का लॉस दिख रहा है, आप उस दिन ट्रेड मत डालो, आप उस दिन कुछ और ट्रेड कर लो, बट ये ट्रेड डिप्लॉय ना करो. मैं मार्च में देख रहा हूँ, अरे 12th मार्च के आसपास, क्योंकि इस टाइम पे आते आते थोड़ी IV कम हो गई थी. प्रॉब्लम पता क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जो बंदा 10 लाख लगा रहा होता है ना, वो कहता है यार मैं 10 लाख के ऊपर सिर्फ 5500 कमाऊंगा, 5000 कमाऊंगा, वहां पे उसकी मेंटेलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है. आप ये भी सोचो ना कि वो 2 दिन की पोजिशन है. मैं तो समझ रहा हूँ उस चीज को. I understand the point. It's easy money. पॉकेट में आ रहा है ना, कुछ ज्यादा नहीं रहा. आप अगर जो लोग अभी के टाइम पे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, आप भी बहुत लोगों को ट्रेड मतलब पॉडकास्ट ले रखा है, ये बताओ उनके एनुअल रिटर्न्स के एक्सपेक्टेड आपके हिसाब से ऑप्शन सेलिंग में एक डिसेंट एनुअल एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? अगर आई थिंक 30-40% तक भी बना रहा है, बहुत बड़ी बात है. बस वही चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि 6% आपको उधर से आ गए, 24%, 30%. आप सोचो ना कितने रिस्क पे आप बना रहे हो. बात ये है ना कि जो रिस्क फैक्टर है ना वो क्या है. अब आप मिनिमम ड्रॉडाउन के साथ इस पे ट्रेड कर सकते हो,
आपको ना गैप डाउन के चांसेस हैं, ना आपको आएगी स्पाइक का डर है, ना ही आपको बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक होल्ड करना है कि बहुत ऊपर नीचे होगा। जो फिफ्थ पॉइंट है आज के टाइम पे ना, विप्लेस करता है मार्केट, 200-400 पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आ जाएगा, फिर आप जब ऊपर जा रहा था तो आप पुट को रोल अप करते जा रहे थे, घूम गया वो अलग परेशान कर गया। तो रिस्क आप दोनों साइड लेके चल रहे हो, यहाँ पे एक है कि एक ही साइड का रिस्क है, सिर्फ कॉल साइड का। तो अगर बीच में विप्लेस कर भी रहा है तो यू डोंट नीड टू ज्यादा एडजस्टमेंट करना, करेक्ट? या तो आप जो कह रहे हो, मैं अगर किसी को लगता है कि नहीं सिर्फ 10 लाख लगा के 5500 रुपए बनाना या 5000 रुपए बनाना, तो अगर आप 5500 बना रहे हो ना, 5000 रुपए आपके जेब में आ रहा है और 4 हफ्ते बना लिए ना, 20000 रुपए हो गए, जो कि 2% हो गया। और ये ट्रेडिंग सिर्फ 2 दिन की है, मंडे टू वेडनेसडे, बाकी आपके पास वेडनेसडे मॉर्निंग में ही एग्जिट ले लेना है, शाम तक रुकना ही नहीं, मेरे को गामा चाहिए ही नहीं इस ट्रेड में, प्रॉफिट देना होता है ना, ये वेडनेसडे मॉर्निंग दे देता है। तो आपके पास वेडनेसडे बचा, आपके पास थर्सडे बचा, आपके पास फ्राइडे बचा, और आपके पास मंडे भी बचा, क्योंकि हम मंडे शाम को ट्रेड डाल रहे हैं। तो अगर 2 दिन ट्रेड करके आप अगर साल के 25% बना रहे हो, बाकी दिन भी ट्रेड करो अगर आपके पास और भी चीजें हैं, और भी स्ट्रैटेजी अगर आपने सीखी हुई तो, बट ये मिनिमम रिस्क के साथ आपका जो 30% का टारगेट है ना वो आपको अचीव करके दे सकता है। दिस इज व्हाट आई नो। एंड या अगर बस यही चीज है ना कि एक होती है ना प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जानना, कि यार अपने को ना, देर आर ट्रेडर्स जिनको ज्यादा बिना बहुत कम रिस्क ले करके एक कंसिस्टेंट पैसा बनाना है, तो दे कैन यूज, राइट? एग्जैक्टली। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 12th मार्च पे डाउन साइड में सिर्फ और सिर्फ 0.1% का क्रेडिट है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, क्योंकि इस बार अपने को प्रॉफिट नहीं आ रहा है डाउन साइड में, करेक्ट? अब क्या करेंगे, इसको सिमुलेट हमने करा, नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर आया, देखो अगर हम देखेंगे ना, जनरली जो है कि नहीं मार्केट नीचे चला जाता है 47,280 से, नेक्स्ट जो मार्केट आया 380 है, 100 पॉइंट ही आया, लेकिन आप टी प्लस जीरो लाइन देखो, यहाँ पे जो अगले दिन हमें 1% का लॉस दिखा रहा था, मतलब अगर हमारे 47,600 पे अगर आता मार्केट, यहाँ पे 47,600 पे आता तो 1% का लॉस दिख रहा था। बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर खुलता भी है ना, तो क्योंकि आपकी टी प्लस अपलिफ्ट हो जाती है, आपको लॉसेस होंगे नहीं अगर 300 पॉइंट का भी गैप अप होगा। आप सोचो यहाँ पे भी मार्केट तुरंत आ जाए, सुबह सुबह 600 आ जाए, 300 350 पॉइंट ऊपर हो जाए, कोई लॉस है? यही इस स्ट्रैटेजी की ब्यूटी है कि आपको लॉसेस कभी कभी रेयर होंगे, होंगे भी तो बहुत कम होंगे, और एक्सपायरी बहुत पास है, तो आपका जो ये सेप है ना लैडर का, वो बहुत जल्दी ले लेता है। अब यहाँ पे हम जीरो, मतलब कितने पॉइंट का, 0. सिर्फ 900 रुपए के क्रेडिट पे हम ट्रेड कर रहे हैं इसमें, लेकिन स्टिल हमें कितना बनाना है, हमें 5000 रुपए बनाने हैं, जो कि हम ट्राई करेंगे बनाने का। और जो एडजस्टमेंट है ना, आपको उस दिन अगर मार्केट ने पैसा नहीं भी दे रहा है वो मार्केट, तो उस दिन अपने को कुछ नहीं करना है। देखो मार्केट बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, तो देखो जनरली जो है कि आप चाहो तो 47,900 की जो कॉल है इसको मैं बुक करके मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, राइट? इसको मैंने क्या किया, आई जस्ट क्लोज में 47,900 की कॉल, और उसको एग्जिट करके 47,800 पे मैं आ गया, और मेरा जो लैडर था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया रेशियो में, ठीक है? तो अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, बट जनरली आई अवॉइड ड्यूरिंग द डे। अगर मुझे करना भी होता है रोहित भाई, तो मैं डे एंड पे करके जाता हूँ, yes, ताकि जो दिन की जो मूवमेंट है ना उसको मैं अवॉइड कर सकूं, मेरे को दिन में नहीं टेंशन लेना है। क्योंकि अगर वो फेक मूव हुई कि नीचे आ रहा था मार्केट, मैंने कर दिया, अब अचानक से वापस से मार्केट ऊपर चला गया, समझ रहे हो? या तो उस चीज को मुझे अवॉइड करना है। और तो जो अगर मेरे को उस लैडर से रेशियो में कन्वर्ट करना भी होता है, तो मैं डे एंड पे करता हूँ, डे एंड का वेट करता हूँ, दिन में जो भी मेरे को पैसे नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मैं बैठा रहूंगा, मेरे को रिस्क फैक्टर कम करके चलना है, राइट? तो अपने हम डे एंड पे जाएंगे। अब इस हफ्ते लग रहा है पैसे नहीं बनेंगे आपको, क्योंकि मार्केट नीचे चला आया है, बहुत नीचे आ गया। अब यहाँ पे ना, अभी हमने 8 अप्रैल की एक पोजिशन बनाई, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट की डाउन साइड में जो है ना वो 0.3 का लॉस है, यानी कि 3479 रुपये, मतलब 3500 रुपये का लॉस है। अब इसमें देखते हैं कि अगर लॉस वाले कंडीशंस में तो हमें प्रॉफिट बनता है कि नहीं बनता, राइट? यहाँ पे हमने सिमुलेट करा, नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा स्लाइटली ऊपर गया, स्लाइटली ऊपर है, 0.1 के प्रॉफिट में है, कोई बात नहीं, और थोड़ा मार्केट ऊपर गया, 0.2 आया। अब देख लो, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि टी प्लस जीरो लाइन, आप अगर देख सकते हो कि, एक सेकेंड जस्ट दिखा लूँ कि इनिशियली मुझे जो लॉस था इसमें मेरे बैंक लेग पे 0.6 का लॉस दिखा रहा है टी प्लस जीरो लाइन,
कि अगर जिस टाइम पे मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मार्केट अगले दिन ऊपर होगा ना, ये जो लॉस है ना वो कम हो जाता है, 0.2 0.3 आ गया थोड़ा, 917 पे 0.3, एंड अगर 9:30 पे आप देखोगे 9:30 तक वो आपको 0.1% का लॉस शो कर रहा है, जो कि अगर गया तो होगा भी नहीं, क्योंकि आईवी क्रश, एक्सपायरी अगले दिन, मार्केट ऊपर जा रहा है, सारी चीजें। अभी अपने को 0.2 आ रहा है, वी विल डू नथिंग टिल नाउ, 0.2 अभी भी आ रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे जब तक हमारा बाइंग लेवल नहीं आता ना, ये 48,900 हमने बाय करना, जब तक 48,900 नहीं टच होता है कुछ भी नहीं ट्रेड करना है। 48,900 आएगा तो मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? मार्केट ऊपर आ गया, मार्केट ऊपर आया 48,894 something 898, पीछे आ गया थोड़ा, पीछे आ गया थोड़ा और आ गया, चलते हैं, अपने को अभी तक प्रॉफिट 4,500 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा आ रहा है अराउंड क्या 48,900 यहाँ पे आ गया, करेक्ट। अब हम एडजस्टमेंट समझेंगे इसका, ठीक है ना? अगर आप देखोगे स्पॉट वैल्यू 48,900, जैसे ही आपके बैंक लेवल पे आया ना, आपको करना क्या है, आपकी जो हेज है ना, जो एकदम आउटर हेज है, मैं यहाँ पे स्लाइड भी दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, फॉर अपसाइड ब्रिंग आउटर हेज 500 पॉइंट्स क्लोजर वंस मार्केट रीचेस टू बाय लेवल। जब भी आपका बाइंग लेवल, जो फर्स्ट बाइंग लेवल है, वहां तक अगर मार्केट रीच आउट करता है, आपको जनरल केस में लॉसेस नहीं हो रहे होंगे, अगर हो भी रहे तो भी केस में, मतलब अगर वो 0.6% से कम है, जो कि 99% उतना ही रहेगा, अगर वो हो रहा है तो आपको जो आउटर है जैसा, जो सब सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए आपने लिया होना है, उसको आपको क्या करना है, आपको अंदर ले आना है, ताकि ये जो T+09 आपको खराब दिख रही है वो थोड़ी बेहतर हो सके। अभी भी वी आर इन सेटिंग इन 4100 का प्रॉफिट, बट स्टिल करेंगे क्या, हम इसको क्लोज करेंगे जो सबसे आउटर एज है, एंड उसको अंदर ले आएंगे 500 पॉइंट। मैंने 50,000 का कॉल बाय कर लिया, ओके। अब जैसे ही मैंने 50,000 का कॉल बाय किया, आप देखोगे रोहित भाई कि मेरी T+0 लाइन है ना थोड़ी और इंप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ के बाद जो अगली एडजस्टमेंट होगी ना वो ये होगी, दैट इज 49,100, ठीक है? ओके। मेरा सबसे पहला बाइंग लेवल इज माई फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट, जो सेकंड ट्रिगर पॉइंट एडजस्टमेंट का है वो मेरा पहला सेलिंग लेगा, करेक्ट? ओके। तो जब तक अब ये यहाँ पे नहीं आएगा, आई विल डू नथिंग। अगर इफ मार्केट रिवर्सेस बैक, अगर मार्केट रिवर्स करता है यहाँ पे, मान लो 200-300 पॉइंट वापस से नीचे चला आया, और यहाँ पे अभी भी आपको लगता है कि 500 पॉइंट दूर फिर से मैं हेज बाय कर दूंगा, तो मेरा कुछ अगर प्रीमियम बचेगा तो आप कर लो, अदरवाइज अगर कुछ ज्यादा 1 रुपए का डिफरेंस है तो ज्यादा हेज को छूने की जरूरत नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट कॉस्ट उसमें ज्यादा लग जाएगी। तो इस वजह से जस्ट है कि अगर है कि हाँ यहाँ पे 10 रुपए दे रहे हो आप, और 500 पॉइंट दूर करने पे वो सिर्फ 2 रुपए का है, तो 8 रुपए बच रहे हैं तो कर लो, लेकिन 1-2 रुपए है तो छोड़ दो। okay. एक बार एडजस्टमेंट करने की बात की बता रहा हूँ, ठीक है? अभी इसमें जब हमने ट्रेड डाला था नीचे साइड में, हमारा 0.3 का इनिशियली लॉस था। अब मैं यहाँ पे जब मैं अंदर ले आऊं तो जो डाउनसाइड का लॉस रोहित भाई, दैट हैज इंक्रीज टू 0.5। तो कभी भी आप ये फोकस करो कि जब आप अंदर ले आ रहे हो हेज को, वो लॉस 0.6 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर डाउनसाइड में 0.6 से ज्यादा का लॉस ले आप कैरी कर रहे हो, वो 0.7 हो गया, 0.8 हो गया, तो आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे खराब कर दिया। या तो उसी ट्रेड को जो भी मिल रहा है लेके निकल लो, क्योंकि अब वो एडजस्टेबल नहीं है। अब अगर अंदर ले आ रहे हो मार्जिन, अगर प्रीमियम ज्यादा महंगे है जो आउटर हेज ले आ रहे हो और 0.6 से ज्यादा मिल रहा है, तो फिर वो कोई यूज केस नहीं है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं अगर हल्का सा गैप डाउन या 200-300 पॉइंट का फॉल, और आपको ही पता है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले गामा का क्या रिएक्शन रहता है, तो आप तुरंत 0.7-0.8 लॉस कर दोगे जो भी यहाँ पे डाउन साइड में रहेगा, ठीक है? तो ये चीज का जो रिस्क रेशियो है वो ध्यान रखना है। अब फिर हम बैठे रहेंगे, अगले ट्रिगर हम 49,100 पे ही करेंगे, उससे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, ओके? ठीक है, हम बैठे रहे, 0.5 आ रहा है, बट स्टिल वी विल वेट। 5000 आ गया, 0.6, 5000 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, अपने थोड़ा और वेट करेंगे, 5160-5500 बस ट्रेड काट लो, ओके? मतलब यहाँ पे वहां पे 0.3 का लॉस था इनिशियली, बट स्टिल वी मेड 0.5%। अब सोचो अगर वहां पे जिस भी वीक आपको 0.1-0.2% का भी डाउनसाइड में क्रेडिट मिल रहा है, यू कैन इजीली, मतलब बोलते हैं इजी पीजी मनी, वो चीज है। और द बेस्ट पार्ट रोहित भाई, दैट इज रिस्क,
कि क्या रिस्क आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो। गैप डाउन के चांसेस आपने हटा दिए, आईवी का रिस्क आपने हटा लिया, ठीक है, जो लंबे ड्यूरेशन के लिए ट्रेड्स होल्ड करते हैं वो हटा लिया, ब्लैक स्वान इवेंट आपने बचा लिया, ठीक है, और जो आपको रिटर्न्स 30% का चाहिए आप कर लो। अगर आपको लगता नहीं 30% ज्यादा है तो दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग सेटअप या पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग सिस्टम कि दो दिन के लिए मैं ये करूंगा, बाकी मैं अभी आप देखोगे तो ट्यूजडे ही है तो वेडनेसडे मॉर्निंग तो निकल जाना। अगर आपको लगता है कि नहीं सारे एडजस्टमेंट किया सब कुछ किया बट स्टिल वेडनेसडे मॉर्निंग 10 बजे तक भी आपको पैसे नहीं बने तो आई वुड सजेस्ट ना पैसे बने ना आपका लॉस हिट हुआ, मतलब ना आपको 0.5-0.6 का प्रॉफिट बना ना 0.5-0.6 के लॉस में हो, तो वेडनेसडे यानी एक्सपायरी के 9:30-9:45 होते होते आप ट्रेड क्लोज कर दो। रीजन क्योंकि अब क्या है, आप बैठे हो एक्सपायरी के दिन और वहां पे होता है हाई गामा, करेक्ट, एनी 100-200-300 पॉइंट की एक स्पाइक गामा स्पाइक ना कैन गिव यू बिगर लॉसेस, या राइट, तो उस चीज को भी दूर कर दो कि वेडनेसडे मॉर्निंग ना प्रॉफिट बना ना लॉस बना, मतलब जो भी मेरा ना टारगेट हुआ हिट हुआ ना ऐसे लट हुआ, वेडनेसडे 9:45 तक हार्डली आई विल क्लोज माय ट्रेड एंड मैं ये मानूंगा कि इस हफ्ते मेरे पैसे नहीं। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो रोहित भाई कि 0.3% के लॉस में हमने पोजिशन में थे, मतलब डाउन साइड में अपने को 0.3 का लॉस था बट स्टिल आफ्टर एडजस्टमेंट 0.3 के लॉस से हमारा जो डाउन साइड का लॉस है वो 0.5 इंक्रीज हुआ, बट विद इन वन डे, मतलब मंडे को ट्रेड डाला था एंड ट्यूजडे को अपने 0.5% का जो अपना टारगेट है वो हम लेके निकल रहे हैं। तो अगर जिस भी दिन आपको 0.2-0.3% से कम का डाउन साइड में लॉस या डेबिट जिसको बोलते हैं वो अगर मिल रहा है, आप डिप्लॉय करोगे आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 9 ट्रेड में से आप प्रॉफिट बनाओगे, एक ट्रेड ऐसा हो सकता है जिसमें आपको शायद प्रॉफिट ना आए या थोड़े लॉसेस 0.5 का हो सकता है, अदरवाइज रिस्क फ्रॉड इश्यू के मामले में रिस्क के मामले में हर चीज़ इट्स ये सेटअप प्रूफ है कि नहीं आपको ब्लैक स्वान इवेंट और मतलब कंसिस्टेंटली पैसा देगा। लेकिन हाँ वही बात है ना, आपने बोला कि हम 10 लाख ला के 5,000 क्यों करें, लेकिन आप 5,000 वो वीकली है, मंथली 20,000 हो गए जो कि 2% होता है, साल का 24 हो गया और फिर ले दे के 30% बन गया और अभी भी आपके पास 4 दिन बचे हैं। ये हार्डली देखें अगर रोहित भाई तो मंडे शाम को हम ट्रेड ले रहे हैं, यानी मंडे हमारा पूरा ट्रेड हम कर सकते हैं दूसरे सेटअप, करेक्ट, मंडे से लेकर के ट्यूजडे ही 2 दिन की ट्रेडिंग है, दैट्स इट, ठीक है। अभी इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अदरवाइज मैं फाइनल एडजस्टमेंट में बता के फिनिश करता हूँ। नहीं, मुझे मोस्टली समझ में आ गया हुआ है, बस इसके अंदर बात वही है जो आपने बोली है, ठीक है, लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू लुक एट सिंपल थिंग्स, पैसा सिंपल थिंग्स से भी बन जाता है, सिंपल चीजें से ही पैसा बनेगा, आप कॉम्प्लिकेटेड करो। आप अगर आयरन फ्लाई कर रहे हो, लेट सपोज एक आयरन फ्लाई आप डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, क्या होता है आयरन फ्लाई का रिस्क क्या है, अगर मान लो हार्डली 1% लॉस कर सकते हो आप उसमें प्रॉफिट बन रहा, एट मंथ एंड आपका कितना बना, हार्डली जो मैं अच्छे ट्रेडर्स काउंट करता हूँ ना, हार्डली दे मेक अराउंड 3%, सबका यही है, सबका यही है 3, मतलब बहुत आप एक्सट्रीम पे जाओगे तो 4%, लेकिन 4% बनाने के लिए आपको उस हिसाब से रिस्क भी लेना पड़ेगा, करेक्ट, यहाँ पे उस 1% के लिए ना कुछ एफर्ट ही और तरीके का यार, करेक्ट, और उस एफर्ट में आपके ड्रॉडाउन भी बड़े होते हैं, वो जो 3-4 वाली जर्नी है ना बहुत ज्यादा है और लोगों को उसमें 4-4% ड्रॉडाउन भी हो जाते हैं, 5-5% ड्रॉडाउन भी चला जाता है। दिस इज मतलब मैं यहाँ पे क्या ट्राई करना चाह रहा हूँ कि इतना सिंपल सेटअप है, आपको महीने का 2% किसी भी मरी हुई हालत में दे देगा और आपने थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लिया, थोड़ा आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है, रेशियोज में कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो 2-2.5% तो आराम से देगा, एंड दैट टू मैं ये नहीं कहूंगा रिस्क फ्री बट वेरी मिनिमम रिस्क, जो कि आप जो बड़े मेजर रिस्क है ना मार्केट में, फ्लैश क्रैश और ये गामा स्पाइक, आईवी का फैक्टर कि 10% किसी दिन आईवी बढ़ गई, आपने पोजीशन बनाई रखी है, मोस्टली वी ट्रेड शॉर्ट वेगा ट्रेड्स, तो उन सब चीजों से आप यहाँ बच रहे हो और आपका जो 30% का टारगेट है वो भी अचीव हो रहा है, तो फिर और क्या चाहिए। और अभी और एक चीज, अभी हम ना सिर्फ लो विक्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने क्या देखा ना, एकदम लो विक्स अपना चल रहा है, आप अगर 15 से ऊपर कभी भी अगर आईवी है रोहित भाई, आप उसको देखोगे ना, आपको डाउन साइड में 1-1% हमने देखा भी था कि 1% का डाउन साइड क्रेडिट मिल रहा है, हम उतना लेके जाएंगे नहीं, बट अगर डाउन साइड में अपने को 0.4-0.5% का क्रेडिट हम लेके जा रहे हैं ना, वहां पे अपने 1% भी टारगेट कर सकते हैं 2 दिन में।
तो जैसे ही थोड़ा आईवी अगर बढ़ती है तो वहाँ पे ये जो 0.5 का है ना, ये 0.5 मैंने लो विक्स में टारगेट रखा हुआ है। आईवी बढ़ेगी, प्रीमियम्स बढ़ेंगे, अपने इस 0.5 को 1% तक भी ले जा सकते हैं इफ इंडिया विक्स इज अबव 15। और वैसे भी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि आप कॉल्स सेल करते हो ना ढंग तरीके से, पैसा बनता ही है। करेक्ट, वही बात है ना, मतलब मैं यहाँ पे और भी चीजें लाइक मैं आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, बैटमैन, कैलेंडर सब ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ ऐसी चीज शेयर करना चाहता था कि एकदम सिंपल हो, एक नया से नया ट्रेडर भी अगले दिन से डिप्लॉय करके पैसे बनाने लगे, उसको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होने लगेगा। इनिशियली जो लॉस करते हैं, हाँ हाँ, मैंने कंडीशन ही वही रखी थी कि मेरे बंदों, मेरे जो लोग वॉच कर रहे हैं ना, उनका पैसा बनवाओ, कैसे बन रहे हैं। बस तो मैं अश्योर कर सकता हूँ कि आप इसको मतलब कम से कम दो महीना आप इसको बैक टेस्ट करो, सॉरी फॉरवर्ड टेस्ट करो, लाइक पेपर पे कर लो, एक दो लॉट से करके देख लो एंड देखो कि क्या रिटर्न्स बन रहे हैं। प्रॉफिट तो जरूर बनेगा अगर जो मैंने सिस्टम आपको बताया। अब इसमें थोड़ा एक फाइनल एडजस्टमेंट आ जाते हैं रोहित भाई, कि ऊपर साइड के लिए ना जनरली गया 500 पॉइंट अंदर लिया, उसके ऊपर भी गया जो हमारे फर्स्ट सेलिंग लेग पे, इफ स्पॉट रीचेस टू फर्स्ट सेलिंग लेग अगेन ब्रिंग आउटर एज क्लोजर टू द सेलिंग लेग बाय 200-300 पॉइंट्स, जहां तक अपनी टी प्लस जीरो लाइन जा रही है। कंडीशन ये है कि डाउन साइड में जो नीचे का लॉस है उसमें आपको पॉइंट 6% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। या अगर वो लॉस हो रहा है, इट मींस कि कहीं ना कहीं आप अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको ब्रेक कर रहे हो, ट्रेड में लॉस हुआ है, 0.6 से कम का लॉस है, ले लो। बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आपको ये करना पड़ेगा। एक फायदा और है रोहित भाई यहाँ पे, कि जो चार्जेस होते हैं ना, जनरली अगर आप देखोगे जो ट्रेड, मान लो आपने 3% 3.5% नेट टू नेट बना भी लिया, उसमें चार्जेस भी तो जाएंगे, क्योंकि वैसे स्ट्रैटेजी में आपके एडजस्टमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। और आजकल तो चार्जेस भी वैस्टिटी वगैरह कितना बढ़ गया, अभी लॉट साइज कम कर दिया इन्होंने तो ब्रोकरेज भी ज्यादा जाती है, राइट? तो इसमें एडजस्टमेंट कॉस्ट आपकी बच जाती है, प्लस आप इसमें अपने मार्जिन को ना फुली यूटिलाइज कर पाते हो। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो होता क्या है कि 10 लाख की कैपिटल है, आयरन फ्लाई डिप्लॉय करनी है, आप आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते हो 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए से, 4 लाख आपको सरप्लस रखना पड़ता है फॉर एडजस्टमेंट, करेक्ट? बट इसमें क्या है, अगर आपके पास 10 लाख है, आप 8.5-8 लाख 9 लाख डिप्लॉय कर लो, बाकी 1 लाख, क्योंकि एडजस्टमेंट कॉस्ट कुछ है नहीं। जब आप हेज को अंदर ले आओगे ना, मार्जिन रिड्यूस होगा, बाय करना है आपको, हाँ, हेज अंदर ले आओगे ना, मार्जिन रिड्यूस होगा, इंक्रीज नहीं होगा, करेक्ट? एंड डाउन साइड के लिए पहली कंडीशन हमने रखी थी कि 0.3% से ज्यादा का रिस्क लेके चलना नहीं, तो 0.3% पे ही आपने डाउन साइड का लॉस को लॉक करा हुआ है। अगर मान लो मंडे आपने ट्रेड डिप्लॉय करा, ट्यूजडे को शाम तक अगर मान लो मार्केट नीचे है, तो फिर आप उसको रेशियो में चाहो तो कन्वर्ट करके उस लॉस को खत्म कर सकते हो, या 0.1-0.2 पे ले आ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो प्रीमियम को रोल डाउन करना वर्थ है, मतलब कि एटलीस्ट आप एक स्ट्राइक अंदर आ रहे हो, तो 10 रुपए तो मिलने चाहिए, 2-3 रुपए मिल रहे हैं ना, मत करो, छोड़ दो, आप 0.3% वाला ही ट्रेड अगले दिन भी कैरी करो, क्योंकि अगर ऊपर रहा, टी प्लस जीरो लाइन ऊपर आई, आपका प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन आई थिंक 2 रुपए, मैं आई थिंक जरूरत नहीं है उस चीज की। आप जब सेलिंग लेग को नीचे लेके आते हो ना, आप अपना रिस्क भी इंक्रीज कर रहे होते हो, इंक्रीज करो, एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको, आप उसको वैसे ही कैरी करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, मार्केट काफी नीचे चला गया, फिर ले लो लॉस, लॉसेस भी तो लेना कभी कभी पड़ता है ना। या लेना तो पड़ता है, वो तो अब देखो इनएविटेबल है, वो तो कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा, करेक्ट? वही इसके अंदर कभी ऐसा हुआ है कि कोई ब्लैक स्वान इवेंट ऊपर की तरफ को हुआ है कभी? आपको, आप भी मार्केट में काफी सालों से हो, मेरे से तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा लगा है कि नहीं 4% का 5% का गैप अप हुआ हो? हुआ है ना, कब? सीतारमन कैंडल बनी थी ना, वो गैप अप नहीं हुआ था, आपके सामने हुआ, वो भी दिन में बनी थी, आंखों के सामने हुआ था वो, या आंखों के सामने कोई चीज हो रही है ना, तो वो ट्रेडर की गलती है। हाँ, वो भी, हाँ, एक फैक्टर और है, आप जब भी होता है ना, जब भी बड़े गैप अप या गैप डाउन होते हैं, वीकेंड्स पे थोड़े ज्यादा होते हैं कि फ्राइडे पोजीशन है, मंडे को बड़ा गैप अप हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया। अब देखो, अगर आप डेटा उठाओगे ना, मंडे इज द मोस्ट वोलेटाइल वीक, मतलब जो दिन है गैप अप या गैप डाउन, आप मंडे शाम को डाल रहे हो, और जिस टाइम पे ये सब हो रहा था, उस टाइम पे एक्सपायरी बैंक निफ्टी की थर्सडे को होती थी। yes. तो आप ट्रेड जो, अगर आप, कोई भी ऑडियंस आपकी अगर सिमुलेट करना चाहता है ना बैक पीछे के डेटा पे,
तो उस टाइम पे आप थर्सडे के एक्सपायरी थी ना, तो आप ट्रेड का डिप्लॉयमेंट करोगे ट्यूजडे इवनिंग को, 2 DTE है ये, ठीक है। तो वही है कि ओवरऑल आप कोई भी इस स्ट्रैटेजी को करता है जो सिंपल रूल बनाया ना कि 0.3 से ज्यादा का लॉस दिख रहा है मत करो, अगर क्रेडिट मिल रहा है लेके जाओ, आप 0.5-0.6 बना के जाओगे ईच एंड एवरी वीक, बाकी का जो 4 दिन है उसमें आप कोई और बनाओ, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग सेटअप। एक होता है ना पोर्टफोलियो के, मैं ये ट्रेड करता हूँ, ये ट्रेड करता हूँ, ये, तो इसको एक रख सकते हो अपने वीक के लिए, ओके, ठीक है। एंड बाकी एडजस्टमेंट्स वगैरह बता दिए, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है 0.6% सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्रॉस हुआ, चुपचाप से बिना किसी इमोशन के काट लो, क्योंकि आप अगर वो टाइम से काट लोगे ना अगले हफ्ते वो बना लोगे, लेकिन वो टाइमली एग्जिट नहीं करा वो लॉस बढ़ जाएगा और फिर 2 महीना पीछे आप चलेगा, ओके, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड रोहित भाई, आपको अगर इसमें से कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। मेरे को तो मोटा मोटा सारा समझ में आ गया हुआ है। व्हाट आई विल डू इज इस स्ट्रैटेजी को जब मैं अपलोड करूंगा आई विल पुट यू इन द डिस्क्रिप्शन कुंदन, है ना, एंड उसके बाद जो भी इसके ऊपर क्वेरीज आएंगी यू टेक इट ओवर फ्रॉम देयर। ठीक है ठीक है ठीक है, आप या तो मेरा व्हाट्सएप डाल सकते हो या ट्विटर हैंडल डाल सकते हो, इंस्टाग्राम जो भी है, मैं उसके ऊपर सीधा आपका क्या कहते हैं यूट्यूब हैंडल डालूंगा उसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, डन डन डन। तो उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आएंगी एंड यूजर्स डायरेक्टली आपसे क्वेरीज पूछ सकेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। एंड कुंदन थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। आई थिंक जो हमारे यूजर्स हैं उनको, व्यूअर्स हैं उनको, एक ऐसी स्ट्रेटजी मिलेगी जिसको वो मार्केट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है। हाँ, अगले ही दिन से आप डिप्लॉय कर सकते हो, थोड़ा सा सिमुलेट करो एंड बहुत कम रिस्क का पैसा तो बनेगा, मतलब आई नो कि गारंटी वर्ड यूज नहीं किया जाता है मार्केट में, बट स्टिल मैंने करा हुआ है बहुत इजी। मतलब कभी कभी होता है ना कि जब भी मेरे ड्रॉडाउन आते हैं रोहित भाई, सबके होते हैं राइट, ड्रॉडाउन आते हैं ना, मैं 2 हफ्ते चुपचाप ये करता हूँ, आराम से बंदा अपने बैकअप चैनल पे चला जाता है। हाँ, कि भाई मेरे को इसमें सेफ साइड है, मैं पैसा बना के जाऊंगा, क्योंकि वो 2-3% ड्रॉडाउन आएगा, 3-4 हो जाएगा, साइकोलॉजिकली बहुत हिट होने लगता है। तो 2% का ड्रॉडाउन से पहले उसको 1 पे लाओ, 1 से फिर 0 पे आओ, फिर आप जो और भी स्ट्रेटजीज आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है, कि हाँ ठीक है यार, हाँ ठीक है, ड्रॉडाउन कवर कर लिया, तो दैट इज इट। और ये मेरा सेफ साइड स्ट्रेटजी है, मतलब लैडर रेशियो मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कर सकता हूँ इसको, मैं मतलब जो रेशियो है ना मैं शॉर्ट वगैरह में भी करता हूँ, जैसे कि आईवी बढ़ गई, अगर कभी भी 10-15% आईवी बढ़ गई डाउन साइड के फॉल पे, फिर आप आराम से उसको मंथली में भी डिप्लॉय कर सकते हो, उसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। बट आई मस्ट से कि कॉल रेशियो और कॉल लैडर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रैटेजी यू कैन एवर ट्रेड। जितना आप इसमें एक्सप्लोर करोगे, जितना डीप जाओगे, जितना आप उसको सीखने की कोशिश करोगे ना, बहुत मजा आएगा इसको करने में, क्योंकि एक साइड रिस्क होता है, वे प्लेसेस बच जाते हैं, आईवी को बचा लेते हो, आईवी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको बहुत बेहतर बनाते हैं। ओके, चलो ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू सो मच। एंड मतलब जेन्युइनली सेइंग कि मतलब ऐसा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, एंड ट्रेडर्स में ना मतलब काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है, बट वो जेन्युइन वाली फीलिंग है ना बहुत कम लोगों के साथ आती, लिटरली बहुत कम लोगों के साथ आती, बट वो कनेक्ट फील हुआ कि नहीं यार बहुत जेन्युइन हो, जो काम कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको करो। एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करे, एंड आप इंडिया के नहीं दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स को आप यहाँ पे लाओ, हमें भी सिखाओ, खुद भी सीखो और सबको सिखाओ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, थैंक यू।